हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होप आप सब अच्छे होंगे। और आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वाई दशहरा इज़ सेलिब्रेटेड। दशहरा क्या होता है, विजयदशमी क्या होती है, एंड मैनी मैं और क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं। सो इस वीडियो में आई विल टेल यू हम दशहरा क्यों मनाते हैं, हम विजयदशमी क्यों मनाते हैं, क्या रीजन्स हैं। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या आंसर दो, या फिर आपको ऐसे लिखने को आए दशहरा पे तो आप क्या लिखो, विजयदशमी पे आए, एनीथिंग। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दशहरा और विजयदशमी दोनों एक ही डे होते हैं। कुछ लोग इसे दशहरा कहते हैं, कुछ लोग इसे विजयदशमी कहते हैं। देन कम्स दशहरा होता क्या है। दशहरा जो हम हॉलीडे को मार्क करते हैं, हॉलीडे मतलब होली, हमारे रिचुअल्स में इस दिन को माना जाता है कि जो राम थे, जो विष्णु के टेंथ विष्णु के जो अवतार थे राम, उन्होंने टेन हेडेड डैमन किंग रावण को इसी दिन मारा था। यानी कि इसी दिन उन्होंने रावण को मार के अपनी वाइफ सीता जी को बचाया था। सो इसलिए हम इस दिन को दशहरा या विजय दशमी के तरह मनाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या लिख बोलोगे आप, कि ये हिंदू फेस्टिवल है, मेजर हिंदू फेस्टिवल है, जो नवरात्रि के एंड में हर साल मनाया जाता है। सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न दैट इट इज़ अ मेजर हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट एंड ऑफ नवरात्रि एवरी ईयर। देन कम्स विजयदशमी। इसके पीछे एक और चीज़ भी बोली जाती है कि विजयदशमी वाले दिन दुर्गा पूजा ख़त्म होती है। हम 10 डेज़ के लिए दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दुर्गा जी ने उस दिन डैमन महिषासुर को मारा था और अपने धर्म को प्रोटेक्ट किया था। सो इसलिए हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं। और जो दुर्गा पूजा का एंड डे होता है, उस दिन विजयदशमी या फिर दशहरा मनाया जाता है। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में एक और चीज़ भी होती है, दैट इज़ इट मार्क्स द एंड ऑफ रामलीला। जो हमारे नॉर्थ इंडिया में रामलीला का प्रोग्राम चलता है, वो भी इसी दिन ख़त्म होता है और हम रिमेंबर करते हैं राम जी की विक्ट्री ओवर रावण। सो बेसिकली ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप दशहरा और विजयदशमी के बारे में बोल सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक ज़रूर करना।